वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। आज पूरे देश में महिलाएं हर तालिका तीज का व्रत रख रही हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार ये तीज व्रत हर साल भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस तारीख को महिलाएं निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं और अखंड सौभाग्यशाली होने और वैवाहिक जीवन में सुख शांति और समृद्धि के लिए आशीर्वाद लेती हैं। वहीं कुआरी कन्याएं सुयोग्य वर प्राप्त करने के लिए इस दिन उपवास रखकर व्रत का विधि विधान से पालन करती हैं। हर तालिका तीज को सबसे कठिन व्रतों में जाना जाता है। हरतालिका तीज व्रत की पूजा तृतीय तिथि में ही करनी चाहिए। ये पूजा चतुर्थी तिथि में भूल कर भी ना करें। हरतालिका तीज व्रत को जिस प्रकार उठाएं उसी विधि विधान से व्रत के नियम का पालन करें। व्रत में भूल कर भी कोई बदलाव ना करें। हरतालिका तीज व्रत में दिन के समय भूल कर भी नहीं सोना चाहिए। रात भर जागकर भगवान शिव और देवी पार्वती का स्मरण करना चाहिए। आज के दिन व्रत करने वाली महिलाएं क्रोध ना करें। क्रोध करने से मन की पवित्रता को ह्रास हो जाता है। व्रत के दिन पूरी रात जागरण करके पूजा करें। हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त देखिए। हर तालिका तीज की पूजा शुभ मुहूर्त में करें। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश की बालू, रेत और काली मिट्टी की प्रतिमा बनाएं। पूजा के स्थान को फूलों से सजाएं और एक चौकी रखें। इस पर केले के पत्ते बिछाएं और भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद माता पार्वती को सुहाग की सारी वस्तुएं चढ़ाएं और भगवान शिव को धोती और अंगूठा चढ़ाएं। बाद में ये सभी चीजें किसी ब्राह्मण को दान करें। पूजा के बाद तीज की कथा सुनें और रात्रि जागरण करें। अगले दिन सुबह आरती के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें। बाकी खबरों के लिए भी देखते रहें जनसत्ता.com।